चलिए अब अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट, और हमको इसमें ये चार फॉर्मूलेज गिवन है जिनको हमको वेरीफाई करना है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर, राइट. अभी तो फिलहाल हम इनको वेरीफाई कर रहे हैं, बट आप इन फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए क्योंकि ये आपकी क्लास 11th में बहुत यूज़फुल फॉर्मूले हैं. पूरी कैलकुलस में ये फॉर्मूले यूज़ होंगे और भी कई इस टाइप के फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको लिस्टेड करके अभी से लर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए. ओके तो चलिए फिलहाल अभी तो हम इनको वन बाय वन प्रूव करते हैं. तो देखिए हमको क्वेश्चन नंबर वन है हमको टेन ऑफ 2x इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, राइट. यहाँ पर अपन थीटा ही ले लें. ओके ये भी हमारा थीटा होगा. अब थीटा के प्लेस पे हमको पुट करना है 30 डिग्री, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड. ओके तो हम वन बाय वन प्रूफ करते हैं. तो LHS में हमने थीटा के प्लेस पे पुट किया 30 डिग्री, तो टेन ऑफ 2 थीटा, तो थीटा के प्लेस पे हम पुट करें 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ 2 इंटू 30. मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो गया टेन ऑफ 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं होती है रूट ऑफ 3, राइट. अब RHS को सॉल्व करते हैं. तो RHS में भी हमने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करें, तो RHS है हमारा 2 टेन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. थीटा के प्लेस में हमने वैल्यू पुट करी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 टेन ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट. तो ये टेन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 60 रूट 3 होता है, तो 30 होगा 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3, ओके अपॉन 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू अगेन 1 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 3, ओके. तो ये हुआ हमारे पास 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 वन ज़ा 3 माइनस 1, तो 2 बाय 3, ओके. तो 2 बाय रूट 3 इंटू हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं 3 बाय 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 3 अपॉन रूट 3, ओके. और इस न्यूमरेटर वाले 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो बचा सिर्फ हमारे पास रूट ऑफ 3. तो हम LHS की वैल्यू देखें जो कि रूट 3, RHS की वैल्यू भी है रूट 3, तो जो फर्स्ट जो केस है हमारा वो वेरीफाई हो गया, ये ट्रू है, ओके. और वैसे भी ये सब फॉर्मूलेज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, आपको इनको लर्न करना अभी से या स्टार्ट कर देना चाहिए. नोट कर लीजिए इसे, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं. इसी की प्रॉब्लम नंबर सेकंड है साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू हमको गिवन है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, राइट. अब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं साथ साथ वैल्यू ही पुट करता चलता हूँ, ठीक है. अलग अलग वैल्यू पुट नहीं करना है, बट आप एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ कीजिएगा. हम पुट कर रहे हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये पहले LHS में पुट हुआ, तो ये हुआ साइन ऑफ 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 टेन ऑफ थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट. अब ये हो गया साइन ऑफ 30 टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस टेन 30 की डिग्री की वैल्यू अगेन 1 अपॉन रूट 3, जो कि हो जाएगी 1 अपॉन 3, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ 60 डिग्री. हम यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते थे, चलिए नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे. तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 4 बाय 3, ओके. हम वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4, यहाँ 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, राइट. तो रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन ये वाला रूट 3 इंटू 2, यहाँ पर भी रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो देखिए रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया रूट 3 अपॉन 2. तो जो प्रॉब्लम नंबर सेकंड है वो भी वेरीफाई हुई, ओके, क्योंकि यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आ गया है.
चलिए अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर नंबर थर्ड, जो कि है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम इनको वेरीफाई कर रहे हैं, हो सकता है आगे हमको यही प्रॉब्लम्स प्रूफ करने के लिए भी मिले। तो चलिए हम LHS और RHS में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ राइट। अब मैं इससे बचा रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो 32 जा ये हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हमको पुट करना है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। ओके, राइट हैंड को भी सॉल्व किया तो 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, स्क्वायर होने पर हो जाएगा 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस सेम 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 वन ज 3 माइनस 1 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 वन ज 3 प्लस 1 4 बाय 3। ओके, हम 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 बाय 3 इन टू 3 बाय 4, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू आगे हमारा अगेन 1 अपॉन 2। तो इस तरह जो थर्ड केस है वो भी वेरीफाई हुआ। ओके, अब लास्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट केस है 4, इसमें हमको कॉस 3 थीटा इक्वल टू गिवेन है, 3 थीटा इज इक्वल टू गिवेन है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा। ओके, थीटा की प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 इंटू 30, तो ये हो गया 90। ओके, तो 4 इंटू कॉस ऑफ क्यू थीटा की प्लेस पे पुट करना है हमको 30 डिग्री माइनस ऑफ 3 कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ओके, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, और रूट 3 बाई 2 का हमको लेना है होल क्यूब माइनस ऑफ 3 कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाय 2। क्लियर यहाँ तक? आगे सॉल्व किया तो 4 इंटू रूट 3 का क्यूब हो जाएगा 3 इंटू रूट 3। ओके, 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 3 रूट 3 अपॉन 2। ये 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस ऑफ 3 रूट 3 अपॉन 2, जो कि आपस में कैंसिल हो के 0 के इक्वल आ गए, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये फोर्थ जो हमारी प्रॉब्लम थी ये भी वेरीफाई हुई। क्लियर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।